वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शन टीवी ते समूह देश विदेश दी संगतां दा स्वागत है। देश अंदर लॉकडाउन जारी है पर सिख कौम अपने दिहाड़े पूरी श्रद्धा भाव नाल मना रही है। अज गुरु अमरदास जी का जन्म दिहाड़ा प्रकाश पुरब सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब विखे पूरी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। असी मौजूद हाँ तख्त श्री दमदमा साहिब विखे जिथे गुरबाणी का प्रवाह चल रहा है। साढ़े नाल तख्त श्री दमदमा साहिब के हैड ग्रंथी भाई गुरजंट सिंह जी मौजूद ने। उन्हां तो जानते हैं कि अज किस तरह के समागम किए गए तो संगतां नूं तख्त साहिब तो किस तरह का संदेश जिहड़ा दिता गया। भाई साहब जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं जानना चाहना अज गुरु जी का दिहाड़ा किस तरह तुसीं मनाया गया इत्थे की संगतां नूं जिहड़ा संदेश इत्थों दिता गया। गुरु प्यारी साध संगत जी धन गुरु अमरदास महाराज जी का अज प्रकाश गुरपुरब है। गुरबाणी का गुरवाक है रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन भल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तुहे बण आवै। महावाकों के अनुसार गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब मुख रखदे अज तख्त श्री दमदमा साहब जी के पावन स्थान से माणयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्हां दे दिशा निर्देशों के अनुसार अमृत वेले तो लैके पावन दिहाड़ा जो मनाया जा रहा है अमृत वेले तो लैके गुरबाणी कीर्तन कथा का प्रवाह चल रहा है। तो नाल ही मानयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों और समुचे प्रबंध वालों उपराला किया गया कि समय की नजाकत को देखद लॉकडाउन होने करके करफ्यू होने करके संगतां दा तख्त साहब जी विखे आना जो असंभव है। इस करके चैनलों के राही गुरबाणी का कीर्तन कथा का प्रवाह जो सीधा प्रसारण संगतां तक पहुँचाने के लिए उपराला किया गया 10:30 तो लेकर 12:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। सो संगतां नूं बेनती है कि अपने घरां दे विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणो बाणी का जाप करो सिमरन करो तो नाल नाल सरबत दे भले लिए अरदास बेनती भी करो। तो दूसरी बेनती है कि धन गुरु अमरदास महाराज जी ने जो सानू सिद्धांत दिते उपदेश दिते उन्हां ते असीं पहरा देण दा यतन करिए। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने सानू सिद्धांत दिता कि पहला पंगत पातशाह संगत। गुरु अमरदास महाराज जी के दरबार के जो अकबर आता है तो महाराज गुरु अमरदास महाराज जी ने पहला ये कह सी अकबर को कि पहला पंगत करके आवे। गुरु अमरदास महाराज जी पंगत में बैठ के गुरु का लंगर छक के फिर सतगुरों मिलने दे लई गए। तो जदों धन गुरु अमरदास महाराज जी सेवावां वेखियां परोपकार देखे तो गुरु अमरदास महाराज जी अकबर ने बेनती की सतगुरु जी भी मैं गुरु घर के नाम कुछ जगीर लगानी चाहना ता कि गुरु घर का प्रबंध है जो चलता रहे। तो गुरु अमरदास महाराज जी ने उत्थे हुक्म किया कि गुरु घर का जो प्रबंध है वह संगतों के तिल फुल नाल चलता तो संगतों के तिल फुल नाल ही चलता रहेगा किसी एक दे माँ बाप की जगीर नाल नहीं चलता। तो अज भी गुरु घर की यह प्रपाटी है मर्यादा गई कि गुरु घर के प्रबंध अज भी संगतों के तिल फुल नाल चल रहे। दूसरा बड़ा परोपकार जो किया सती प्रथा गुरु अमरदास महाराज जी ने बंद करवाई। पुरातन समय के जदों किसी इसत्री का औरत का बीबी का पति चढ़ाई कर जाता सी तां उस औरत नूं बराबर चिखा दे विच छाड़िया जाता सी। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने जोर दे के ये सती प्रथा बंद करवाई। तो नाल ही धन गुरु अमरदास महाराज जी के जीवन तो सानू एक सिक्ख्या मिलती है कि गुरु अमरदास महाराज जी ने जिमें सेवा की है असी भी अपने जीवन के धारण करिए कि बड़ा लम्मा समा गुरु अमरदास महाराज जी ने गागर तो गागर के राही पानी लिया के सतगुरों का इनान करवाना उत्थे बौली लगानी जात पात का जोड़ा वितकरा दूर करना बौली लगवाना भी एक जात पात का वितकरा दूर करना सी। पंगत में बैठ के लंगर छकना अकबर में बिठाना यह भी एक जात पात का जोड़ा हंकार से दूर करना सी। सो आओ असी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के इस पावन प्रकाश दिहाड़े से प्रण करिए कि अपने अंदरों होमै न जात पात को अहंकार को दूर करके गुरु घर गुरु ग्रंथ गुरु पंथ को समर्पित होकर अपना जीवन बतीत करिए कि साडा इस संसार से आया जीवन सफला हो सके लोग सुखिया परलोक सुहला हो सके। सो माणयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब अते समुचे प्रबंध वालों अज के इस पावन दिहाड़े दीआं समुचियां संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन तख्त श्री दमदमा साहिब के हैड ग्रंथी भाई गुरजंट सिंह जी जिन्होंने संगतां नूं गुरु जी के जीवन से चानना पाया जीवन बारे दसिया उत्थे ही संगतां नूं घर बैठ के गुरबाणी का जाप करन दा संदेश भी दिता। कैमरामैन ऋषिपाल दे नाल मुनीश गर्ग जगबाणी टीवी दर्शन टीवी दमदमा साहिब तलवंडी साबो।